बाहरी राज्यों से हिमाचल लौट रहे प्रदेशवासियों के लिए प्रदेश सरकार मजबूत कार्य योजना बनाने में पूर्णतः असफल रही है। ये आरोप प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रदेश में आए दिन बढ़ रहे मामलों के बाद सरकार पर लगाए हैं। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि कोरोना महामारी से पार पाने के लिए सरकार की पुख्ता कार्य योजना दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही है। मंडी जिला के कोरोना संक्रमित युवा का जिस प्रकार अमानवीय तरीके से अंतिम संस्कार किया गया और एक महिला अधिकारी को जिस प्रकार बिना सुरक्षा किट उपलब्ध करवाए अंतिम संस्कार को अंजाम देना पड़ा, उसकी कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है। बाहरी राज्यों से प्रदेश में आ रहे लोगों के प्रति लापरवाही और अंतिम संस्कार के घटनाक्रम से स्पष्ट होता है कि सरकार इस महामारी का सामना करने के लिए कितनी संवेदनशील है। बाहरी राज्यों से हिमाचल में आ रहे हिमाचलियों के संदर्भ में प्रदेश सरकार पुख्ता कार्य योजना बनाने में पूर्णतः असफल हुई है। निर्धारित प्रोटोकॉल के मुताबिक ना तो दूसरे राज्यों से आ रहे लोगों को प्रॉपर तरीके से क्वारंटीन किया जा रहा है, ना ही उनकी निर्धारित जो मापदंड है उनके आधार पर स्वास्थ्य जांच की जा रही है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश के अंदर संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ा है। पिछले दिनों मंडी के एक युवक की शिमला में मृत्यु हुई और जिस प्रकार अमानवीय तरीके से उस युवक का अंतिम संस्कार किया गया और उस अंतिम संस्कार में एक महिला अधिकारी को बिना सुरक्षा किट के शिरकत करके उसको अंजाम देना पड़ा, कांग्रेस पार्टी उसकी घोर निंदा करती है। बाहर से आ रहे लोगों के विषय में सरकार का रवैया, सरकार की कार्यप्रणाली और मंडी के युवक के अंतिम संस्कार को अंजाम देने की जो प्रक्रिया है, दोनों घटनाक्रम पूर्णतः स्पष्ट करते हैं कि प्रदेश सरकार और प्रशासन के लोग इस महामारी से निपटने के प्रति पूर्णतः असंवेदनशील हैं और आज जब पूरे विश्व के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो अब तक के इतिहास में अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुकी हैं, ऐसी स्थिति में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर सरकार ने पहले से आर्थिक संकट की मार झेल रही जनता के साथ घोर अन्याय किया है।